नमस्कार, मैं संजय कोड़ीवाल और आप मेरे साथ कर रहे हैं खरीफ क्रॉप डिजीज। खरीफ क्रॉप डिजीज में ग्राउंडनट डिजीज चल रही है, मूंगफली की बीमारियां चल रही हैं और इस वीडियो में अपने ग्राउंडनट की दूसरी डिजीज को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है पीनट क्लंप वायरस। पीनट क्लंप वायरस नाम से पता लग रहा है कि ये कोई वायरल डिजीज होने वाली है, कोई वायरस कोस करेगा। इंडिया में कौन कौन सी जगह ऐसी है जहां पर इसकी स्पेरिटी ज्यादा देखी जाती है, जहां पर इसका प्रकोप ज्यादा है, तो उनके नाम है जैसे पंजाब है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और आपका गुजरात है। यहां पर पीनट क्लंप वायरस ये डिजीज, ये बीमारी ज्यादा देखी जाती है। और ये बीमारी है उसको फेवर कौन करता है, ये जो सैंडी सॉइल होती है, बालू रेत है, वो इस बीमारी को फेवर करती है या अट्रैक्ट करती है, या ये बीमारी इस रेत के अंदर ज्यादा होती है। अब पहली बात क्या है, पैथोजन कौन है जो बीमारी कोज कर रहा है। नाम से पता लग रहा है पीनट क्लंप वायरस, इसका ना कोई वायरस आने वाला है। वायरस का नाम है IPCV, इंडियन पीनट क्लंप वायरस। जिन प्लांट फैमिलीज को डिजीज कोज कर रहे हैं उनके बेस पर उनके नाम होते हैं, तो IPCV इंडियन पीनट क्लंप वायरस इस वायरस का नाम है। और इस वायरस में जिस तरह से अपने देखते हैं कि जितने भी प्लांट वायरस है उसमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, तो यहां पर भी RNA अपने को देखने को मिलता है। वायरस तो मेन कॉजेटिव एजेंट है ही, लेकिन उसका वेक्टर कौन है, वो किस पे सवारी करके आ रहा है, तो उस वेक्टर का नाम है जिससे ट्रांसमिशन होता है इस डिजीज का एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, वेक्टर का नाम है यहां पर एक फंगस है जो वेक्टर का काम कर रहा है इस वायरस के लिए। उस फंगस का नाम है पॉलीमिक्सा ग्रामिनिस। वो फंगस है जो ग्रामिनी फैमिली को डिजीज कोज करता है, उसमें इन्फेक्ट करता है। तो वेक्टर है पॉलीमिक्सा ग्रामिनिस, जो कि एक फंगस है, फंजाई है, कवक है, फफुंद है, और इस पे सवारी करने के लिए बैठा हुआ है कौन, अपना वायरस IPCV। अब दूसरी बात आती है सिम्टम्स, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से रिकग्नाइज करेंगे कि अपनी जो पीनट है, ग्राउंडनट है, मूंगफली की जो फसल है उसमें IPCV लग गया, उस पर पीनट क्लंप वायरस हो गए, तो कुछ सिम्टम्स अपने पढ़ने वाले हैं क्या क्या हो सकते। पहली बात, आपके जो पीनट का प्लांट होगा या जो फसल है मूंगफली की, उनके पत्ते ज्यादा डार्क कलर के दिखाई देने लग जाते हैं, ज्यादा डार्क हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है, नाम से पता लग रहा है पीनट क्लंप वायरस, क्लंप मतलब गुच्छा, ज्यादा पत्तियां हैं वो लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, पत्तियां ज्यादा लगेंगी तो झुंड बना लेती हैं, क्लंप फॉर्मेशन हो जाता है। ये दूसरा मेजर सिम्टम है इस क्रॉप डिजीज का। और क्या हो सकता है, पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं, मोजेक पड़ जाते हैं, और मोजेक के अराउंड अपने को येलो रिंग दिखाई देने लग जाती है, तो ये भी एक सिम्टम। ये जो अपने फ्रूट लगेंगे, जो फलियां लगती है, पोड़ लगती है, जो लेग्यूम लगेंगे, उनका साइज छोटा होगा और कम लगेंगे, दाने का साइज भी छोटा हो जाएगा, कह सकते हैं ओवरऑल प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाएगी, इसकी प्रोडक्टिविटी ड्रॉप हो जाएगी। तो ये कुछ मेजर सिम्टम्स थे जिनको आइडेंटिफाई करने के बाद अपने कह सकते हैं कि अपने फसल को, अपने ग्राउंडनट को पीनट क्लंप वायरस हो गया। अब अपने एंटर करते हैं तीसरे सेक्शन में जिसका नाम है मैनेजमेंट। तो पता लग गया कि अपनी फसल को डिजीज कोज हो गई है पीनट क्लंप वायरस, तो मैनेजमेंट भी तो करना होगा। जो भी अपने फॉल्टी प्लांट्स हैं जिनके अंदर वायरस घर कर गया है, उन प्लांट्स को, उन सभी प्लांट्स को अपने अप्रूव करके डिस्ट्रॉय कर देंगे, बरी कर देंगे या बाहर फेंक देंगे खेत से। तो ये पहला तरीका है मैनेजमेंट करने का। उसके बाद दूसरा काम अपने क्या कर सकते हैं, 15 दिन पहले जब भी अपने को बुआई करनी हो, सोइंग करनी है, किसकी, अपने पीनट की, ग्राउंडनट की, मूंगफली की, उसके 15 दिन पहले अपने बाजरा बो देंगे। बाजरा बोने के 15 दिन बाद में बाजरे को हार्वेस्ट कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपने, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अभी मैंने बताया कि पॉलीमिक्सा ग्रामिनिस वेक्टर है, एक फंगस है जो वेक्टर का काम कर रहा है इस डिजीज के लिए, तो वो वायरस पहले बैठा होता है किसके ऊपर, इस फंगस के ऊपर। तो अगर फंगस को अपने को हटाना है, अगर सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, खेत के अंदर पहले से अपने को ये फंगस पड़ा हुआ दिखाई देता है, पॉलीमिक्सा ग्रामिनिस है, इसके नाम में छुपा हुआ है कि ग्रामिनी फैमिली को इन्फेक्ट करता है, उनके प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, तो बाजरा ग्रामिनी फैमिली का एक प्लांट, तो अगर अपने पहले बुआई से पहले बाजरा लगा देंगे तो 15 दिन के अंदर अंदर वो जितना भी फंगस होगा वो ग्रो कर जाएगा किसके ऊपर, बाजरे के ऊपर, फिर उसको हार्वेस्ट कर लेंगे तो ऑलमोस्ट जितना भी फंगस अपनी मिट्टी में रखा हुआ था वो चला जाएगा किसके साथ, बाजरे के साथ। अब अपने सॉइल के अंदर 15 दिनों बाद
ऐसा करने के 15 दिन बाद में अपने सोइंग कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं किसकी, ग्राउंडनट की। क्रॉप साइकिल भी आजमा सकते हैं किसके साथ, मस्टर्ड के साथ। और मस्टर्ड है ब्रैसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है। ऐसा करने से क्या होता है, फंगस का लाइफ साइकिल है वो इंटरप्ट हो जाता है और काफी हद तक अपने को रिलीफ मिलता है, सोइल को रिलीफ मिलता है फंगस से या फिर उस वायरस से। तो अगर फंगस है तभी वायरस आएगा, तो फंगस को हटाना बड़ा जरूरी है। और क्या किया जा सकता है, कार्बेंडाजिम 0.1% के हिसाब से अपने सीड ट्रीटमेंट के लिए काम में ले सकते हैं। ऐसा करने से सीड के ऊपर अगर वो फंगस लगा हुआ है पॉलीमिक्सा ग्रैमिनिस तो वो हट जाएगा, और वो हट जाएगा तो वायरस भी नहीं आएगा। कार्बेंडाजिम की तरह एक जाना माना फंगिसाइड है जिसका नाम है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इसको 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से अपने स्प्रे कर सकते हैं, डाल सकते हैं खेत के अंदर, जिससे क्या होगा, ये फंगस ग्रो नहीं कर पाएगा, फंगस ग्रो नहीं कर पाएगा तो अपना वायरस भी नहीं आ पाएगा। डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज कौन कौन सी, जिस तरह से पीछे उन्होंने ग्राउंडनट की दो वैरायटीज पड़ी थी वो सेम डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज यहां पर भी काम में आएंगी। उसका नाम है ICGS-10 और VRI-3। तो इस तरह से आज अपने कंप्लीट कर लिया पीनट क्लम्प वायरस को। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपने किसी नेक्स्ट क्रॉप डिजीज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।